दूसरी बात यह है कि कल जो वफ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे पहले भी केसीआर साहब एकदम उठाए थे, सेकंड सर्वे कराए थे, आज तक 70 इयर्स में कभी भी नहीं हुआ आजादी के बाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में जकल बयान दिया था, उसका खैर मकदम करते हुए सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी हुकूमत ने औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ के बारे में इस कदर संजीदगी जाहिर नहीं की और न ही कोई अमली इकदाम उठाए थे। मोहम्मद सलीम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद औकाफी जायदादों पर कब्जे और उन्हें फरोख्त करने की कोशिश करने वालों की अब खैर नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर का बयान वक्फ बोर्ड को कुव्वत और अख्तियार बख्शता है। अल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले मैं हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हमारे केसीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना जो बड़ा कदम उठाया है और अल्लाह के करम से पूरे इंडिया में जैसा सेकुलर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं केसीआर साहब को, सेकुलरिज्म का करके दिखाए वो, और सबसे पहले मस्जिदों का भी जो बोले हैं केसीआर साहब वहीं पर बनेंगी और वहीं पर ये करेंगे, और वक्फ बोर्ड के हवाले करूंगा, और 1500 गज जो भी जगह बच रही, 1500, 1200, 2000 जो भी जगह बच रही वो भी वक्फ बोर्ड के हवाले करेंगे, बल्कि केसीआर साहब जो बोले, मैं केसीआर साहब का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ मैं, और पूरी आवाम की तरफ से भी मैं केसीआर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि बहुत बड़ा इकदाम है ये। जहां पर केसीआर साहब कोई हर कोई बोलते कि वहां पर मस्जिद नहीं बनेंगी, वहां पर वो करेंगी, मतलब अपोजिशन वाले भी सब लोग उंगली उठाए, सब लोग जो है ना हंगामा करें, मगर उससे फायदा नहीं है, क्योंकि केसीआर साहब खुद एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है और ऐसे इंसान है वो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब जो है उसको मद्देनजर रखते हुए केसीआर साहब जो है ना कोई किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने का काम आज तक नहीं करे केसीआर साहब, और ना कभी करते भी नहीं हो, क्योंकि उनको मालूम है गरीबी क्या है, अमीरी क्या है और मजहब क्या है, हर चीज की वफियत है उनको। तो अल्लाह के करम से मैं अल्लाह का भी मैं शुक्र अदा करते हुए, क्योंकि इतना बड़ा जो काम हुआ है, जो लोग हमको भी बोल रहे थे कि मतलब वक्फ बोर्ड से रिजाइन करो, वो करो, ये करो, उससे कुछ होने का नहीं है, क्योंकि मस्जिद का मसला था, अल्लाह के करम से जो है ना मस्जिद का मसला हल होगा। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कभी भी जो है कोई मजहब को ठेस पहुंचाने का काम कभी भी केसीआर साहब करे ना, करेंगे भी नहीं, इसलिए जो है ना अल्लाह ताला जो है ना गवर्नमेंट में फुल मेजोरिटी से जो है ना हमारी गवर्नमेंट है केसीआर साहब की। और दूसरी बात यह है कि कल जो वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे पहले भी केसीआर साहब एकदम उठाए थे, सेकंड सर्वे कराए थे, आज तक 70 इयर्स में कभी भी नहीं हुआ आजादी के बाद, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को कोई सीएम उसको अटेंड नहीं करे, कोई पूछे नहीं उसको, लावारिस की वजह छोड़ दिया, मगर केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है पूरी तरीके से जो है ना प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होगी पूरी। और कल जो बिल पास हुआ, रेवेन्यू एक्ट जो पास हुआ, उसमें वक्फ को भी इंक्लूड कर दिए, जितने लोग इंजॉयमेंट कर रहे थे, जितने लोग जो प्लॉटिंग करके भी बेचे, जितने लोग जो जो भी करे पुराना वो भी निकलेंगे आप, और पूरे रजिस्ट्रेशन रुक जाएंगे, और वक्फ बोर्ड से भी जो है ना हम लोग पूरे कलेक्टरों को, पूरे एमआरओस के अलावा जो है ना आरडीओस को, उनको इनको सबको हम लोग भी यहां से एक एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा लेटर लिखेंगे, हमारे इतने प्रॉपर्टीज है, जहां जहां इंक्रोचमेंट हुआ उसको भी छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले भी मैं बोला था, मतलब हर मीटिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बोलता हूँ, बोर्ड मीटिंग में भी हम लोग, कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रही थी, क्यामत तक वक्फ रही थी, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, उसको प्रोटेक्ट करना हर एक का फरीजा है। मगर केसीआर साहब जो है ना इतना बड़ा जो काम करे हैं, इनकी कितनी भी तारीफ करे कम है, पूरे इंडिया लेवल में, पूरे वर्ल्ड लेवल में कोई सीएम, कोई गवर्नमेंट इतना बड़ा काम नहीं करी जो केसीआर साहब जो करे। मैं दिल की गहराइयों से केसीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं ममनून हूं उनका, क्योंकि आज सेक्युलरिज्म के बारे में बोलते हैं वो हमेशा करके भी दिखाए, और ये वक्फ प्रॉपर्टी में कोई सीएम नहीं पूछा आज तक, 12 से 13 सीएम गुजरे मैं देखते हुए आ रहा हूं, मगर हमारे केसीआर साहब जो है ना पूरी तरीके से जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का पूरा ऐलान कर दिए, असेंबली में कर दिए और बिल पास कर दिए,
कल चार बिल पास हुए आप लोगों के सामने है, पूरे मीडिया को भी मालूम है, पूरी आवाम को भी मालूम है, क्योंकि केसीआर साहब को डैमेज करने का लोग देखते हैं अपोजिशन वाले, मगर कभी भी डैमेज नहीं हो सकते। जब तक केसीआर साहब केटीआर साहब की सांस है, जब तक टीआरएस पार्टी जिंदा है, गवर्नमेंट जिंदा है, कभी भी तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट को कभी भी फर्क नहीं पड़ता और बंपर मेजोरिटी से कभी भी हमारी गवर्नमेंट आते रहेंगी इंशाल्लाह। जब तक केटीआर साहब केसीआर साहब जिंदा है इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो हमारे जो प्रॉपर्टीज है 33,929 इंस्टीट्यूशन है, उसकी प्रॉपर्टी 77,538 एकड़ लैंड है, उसमें जो है ना 57,423। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो एचडी क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल हैदराबाद, डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप सेलेक्शन।